लगातार हो रही बारिश के चलते जिले की सभी नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के लिए सभी आमजन सहित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले की नदियों के घाटों पर नजर रखी जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। लेकिन आज जिले के ग्वारी घाट में आज एक छात्र डूब गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। परिजनों को जब इस बात की खबर लगी तो परिवार सहित क्षेत्र में हड़कंप मच गया। होमगार्ड के द्वारा लगातार रेस्क्यू करते हुए छात्र की तलाश की जा रही है। पे हमारा बिल्डिंग का प्राइवेट काम चलता है, तो हम वहाँ थे। यहाँ से हमारे पास फ़ोन गया कि ऐसा हो गया, तो फिर मैं इधर आया। बाकी अभी तक तो अब पुलिस भी आई है तो कोई काम ही नहीं कर रही है। कितनी देर से हो गए, वही 2-3 घंटे हो। बारह बजे से है, 10-10:30 बजे से है। फ़ोन उतनी समय कर दिया था, तो पुलिस जब ही पुलिस आ गई थी, उसके बाद फिर अभी ये लोग बहुत नखरे कर रहे हैं, फिर होमगार्ड वाले, फिर उसके बाद अब तैयारी कर रहे हैं नाव की, अब देखने के लिए।